सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ आज के इनाम के डिस्ट्रीब्यूशन की। और आपने तो ये प्रोग्राम देखा है घंटे आधे घंटे का, लेकिन इसके पीछे जो इनकी मेहनत है उस पर कई टाइम लगा होगा। तो आप सब इनके लिए क्लैपिंग करें, स्टाफ के लिए, मैनेजमेंट के लिए और सब के लिए। प्रोफेसर अरसलान ना हमारा दोस्त भी है, हमारा भाई भी है, हमारा शागिर्द भी है और इसके साथ हमारे बहुत से रिश्ते हैं। और मैं प्रोफेसर अरसलान को डिफाइन करने के लिए आपको एक मिसाल दूंगा। इशफाक साहब कहते हैं, इशफाक साहब राइटर है, वो कहते हैं मैं किसी प्रोफेसर को मिलने जापान या इटली में गया तो मैं उसके साथ बातें कर रहा था। तो मैं बातें कर रहा था तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे उसके पीछे से छलांग मार के गुजर रहे थे। तो कहते जब मैं जाने लगा तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सर ये कुछ बच्चे आपके पीछे से छलांगे मार के गुजर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? तो कहते हैं वो प्रोफेसर हंस पड़ा, उसने कहा मेरा साया पीछे पड़ रहा था और ये बच्चे इतना भी कुआरा नहीं कर रहे थे कि मेरे साये पे कदम आए। और मुझे जब भी मैं ये वाक्य पढ़ता हूं मुझे प्रोफेसर अरसलान याद आता है। मदद आसफ एडवोकेट इनके ये शागिर्द हैं और मैं इनसे हमेशा ये कहता हूँ कि आप खसूसी तौर पर इनके लिए दुआ करें। यहाँ पे आज तीनों स्कूल के बच्चे भी बैठे हुए हैं, वालदैन भी बैठे हुए हैं और स्टाफ भी है। बस मैं तीनों से दो दो मिनट के लिए बात करूँगा अगर आपकी इजाज़त हो। सबसे पहले मैं इस स्टाफ को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने इतनी मेहनत की। सबसे पहले टीचर तो कहते कैसे हैं आज के दौर में, आज के दौर में, जदीद दौर में उस्ताद किसे कहते हैं? उस्ताद की जदीद डेफिनेशन ये है
उस्ताद इज इक्वल टू मोटिवेटर। उस्ताद सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं होता बल्कि उस्ताद मोटिवेट करता है। किस पर मोटिवेट करता है? अमल में, विल में, इरादे में, अमल में। ये उस्ताद मोटिवेट करके आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। एक एनजीओ गई अफ्रीका में, अफ्रीका में गए और उन्होंने वहाँ पे, अफ्रीका का इलाका थोड़ा सा गरीब इलाका है, तो वहाँ पे उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और उसमें उन्होंने 200 बच्चा था अफ्रीका के उस स्कूल में, और उन्होंने रिपोर्ट ये तैयार की कि इस स्कूल का कोई बच्चा, क्योंकि स्कूल टूटा हुआ था, दीवारें टूटी हुई थी और जो उस्ताद थे उनमें भी कोई काबिलियत नहीं थी, तो उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की कि इस स्कूल का कोई बच्चा कामयाब नहीं हो सकता। वो रिपोर्ट 20 साल बाद एक और एनजीओ के हाथ में आ गई, तो वो फिर दोबारा उसी अफ्रीका के स्कूल में चले गए। जब वहां पे गए तो उन्होंने वो 20 साल पहले सारी रिपोर्टें और वो सारे जो तालिब इल्म थे उनका पता किया। उन 200 बच्चों में से 22 बच्चे फौत हो गए थे, क्योंकि अफ्रीका का इलाका था, गरीब इलाका था, बीमारियां ज़्यादा थी। और 178 बच्चे में से 138 बच्चा बहुत ही कामयाब निकला था। उनके लिए बड़ी हैरानगी की बात हुई कि जो रिपोर्ट पिछली है उसमें तो सारे बच्चे का काम है, तो 138 बच्चा दुनिया में इतना कामयाब है, ये कैसे हो गया? जब उन्होंने सब बच्चों से रब्ता किया तो उसका अर्थ मैं आपको बता रहा हूं। जब सब बच्चों से रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि सातवीं क्लास में हमारे पास एक ऐसा टीचर आ गया था जिसने हमारी जिंदगी बदल के रख दी। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक उस्ताद आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख देता है। दानिशवर कहते हैं अकरम जा साहब, जब एक स्कूल खुलता है, एक स्कूल का दरवाजा खुलता है तो एक जेल का दरवाजा बंद होता है। और हम जितने बैठे हैं, मैं ज़रा स्टाफ से मुखातिब हूँ, हम जितने बैठे हैं हमारे हाथों में तकदीर है, लेकिन ये जो टीचर है इनके हाथों में इन बच्चों की तकदीरें हैं। हमारा दोस्त कहता है जब ये होमवर्क चेक कर रही होती है, होमवर्क लिख रही होती है, तो वो बच्चों की तकदीर लिख रही होती है। और कल परसों मैं और आसफ खान एक जगह बैठे हुए थे, अख्तशाह साहब, तो वो हमारे दोस्त थे, तो वो अपने बच्चों के हमें बता रहे थे, मेरे स्कूल के 3 डॉक्टर हैं, 2 इंजीनियर हैं, 2 ये हैं। तो मैंने इनसे कहा अगर मैं बताऊं तो मैं ये बताऊंगा मेरा ये प्लाट है, मेरी ये मकान है, मेरी ये गाड़ी है, ऐसा टपरा बताऊंगा। लेकिन एक उस्ताद के एसेट में और आम बंदे के एसेट में फर्क इतना है। उस्ताद का एसेट वो बच्चे हैं जो वो कामयाब हो चुके हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो कामयाब वकील हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी एक आम विरासत होती है जब हमें माँ बाप से मिलती है, हमारा मकान होगा या हमारी कोई और होगी, लेकिन जो बच्चों को विरासत मिलती है, जो हमारी ये टीचर देती है, इनकी विरासत क्या है? इनका विजन, इनका एटीट्यूड, इनका इंस्पायरेशन, इनकी कुर्बानी, ये एटीट्यूड जो ट्रांसफर होता है बच्चों में, इनकी विरासत ये है। और हमारी विरासत और इनकी विरासत में फर्क ये है कि हमारी विरासत खत्म होती है एक नस्ल तक, लेकिन इनकी विरासत जो जो तकसीम होती है तो बढ़ती रहती है। तो मैं अपनी बच्चियों को, मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं, इनको ये कहता हूँ कि
भी अपने आप को अपनी तनख्वाह के साथ कभी मैच मत करना कि हम इतनी तनख्वाहें ले रही हैं, हम इतने ले रहे हैं। आप पाकिस्तान में कंट्रीब्यूशन कर रही हो, आप बच्चों की तकदीर लिख रही हो, और यही बच्चे, रूबी साहब ने कहा यही बच्चे आपकी कब्रों पे चराग होंगे। मैं तो कहता हूँ बाहर नहीं, ये अंदर के भी चराग होंगे। और अल्लाह ताला इसकी वजह से, इनकी वजह से आपकी दुनिया और आखिरत इंशाअल्लाह सवार देगा। यहाँ पे कुछ वालदैन भी बैठे हैं, मेरी बहने बैठे हैं, इनसे भी दो चार बातें कहना मैं थोड़ा सा फर्ज समझता हूँ कि आप सब लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे क्या चाहते हैं।